हेलो एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए लर्न करते हैं आज एपगार स्कोर। तो एपगार स्कोर जो न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसकी हेल्थ को समराइज़ करने के लिए एक क्विक मेथड है, और ये मेथड हम यूज़ करते हैं 1 मिनट ऑफ बर्थ एंड 5 मिनट्स ऑफ बर्थ। तो उससे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ का पता चल जाता है। तो इसमें मेनली हम 5 साइंस जो हैं वो चेक करते हैं। अपीयरेंस चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ग्राइमेज चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं न्यूबॉर्न की, और रेस्पिरेशन चेक करते हैं। तो ये हैं 5। ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमेज, ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेशन। तो एपगार मतलब फुल फॉर्म इसकी हो गई, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेज एंड एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले अपीयरेंस। तो अपीयरेंस मतलब बेबी जो जब हम देखते हैं तो वो कैसा नज़र आ रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका स्किन का कलर कैसा है। तो अगर ब्लू और पेल, मतलब पूरा जो स्किन कलर है पूरी बॉडी बेबी की ब्लू है या पेल कलर है, तो उसको हम 0 स्कोर देते हैं। देन अगर बेबी की जो बॉडी है वो ब्लू है, मतलब कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मतलब जो उसकी बाजू और टांगे, वो अगर ब्लू हैं या पेल हैं और बाकी बॉडी पिंक है, तो हम उसको 1 स्कोर देते हैं। और अगर पूरी बॉडी और बेबी की पिंक है, टोटली पिंक है, तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। सेकेंड आ जाता है पल्स। तो अगर पल्स बिल्कुल नहीं है, कोई भी हार्ट बीट नहीं है, कोई भी पल्स बीट नहीं है, तो उसको हम 0 स्कोर देते हैं। अगर जो बीट है, पल्स बीट या हार्ट बीट, वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, तो 1 स्कोर देंगे। अगर हार्ट बीट या पल्स बीट जो है मोर देन 100 है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो हम उसको 2 स्कोर देते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है ग्राइमेज। तो ग्राइमेज में हम स्टिमुलेट टैक्टाइल स्टिमुलेशन से चेक करते हैं। तो अगर कोई रिस्पांस नहीं देता है बेबी स्टिमुलेशन को, तो 0 स्कोर देंगे। अगर थोड़ा सा उसका फेस चेंजेस हो रहा है या बहुत हल्के से वो क्राई कर रहा है, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर बेबी स्नीज कर रहा है या क्राई कर रहा है स्टिमुलेशन के बाद, तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। उसके बाद फोर्थ आ जाता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में हम मूवमेंट चेक करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एक्टिविटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी बेबी जो है कोई किसी तरह की मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो 0 स्कोर देंगे। अगर थोड़ी सी मूवमेंट है हाथों की पैरों की, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी जो है एक्टिवली मूव कर रहा है, एक्टिवली हाथ पैर हिला रहा है, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। उसके बाद लास्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर उसकी कोई भी ब्रीदिंग नहीं है, जो न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल भी ब्रीद नहीं कर रहा, तो 0 स्कोर देंगे। अगर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा वीक है, स्लो है और इररेगुलर है, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है और बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। फिर ये वाले सारे स्कोर्स जो है इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर टोटल स्कोर जो है 7 आता है या उससे अबव आता है, तो इसका मतलब है बेबी जो है नॉर्मल है। अगर एपगार स्कोर जो है 4 to 6 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है बेबी की कंडीशन मतलब थोड़ी सी अनस्टेबल है। और अगर 3 या उससे थोड़ा कम स्कोर आता है, 3 या उससे कम, तो इसका मतलब है कि बेबी की कंडीशन क्रिटिकल है
और उसको इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द एपगोर स्कोर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।